नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री तवाई, तो और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है विनय। जी हाँ, वर्ल्ड कप हमारा है, इस विश्वास के साथ आज टीम इंडिया मैदान में उतरेगी और हम भी यही चाहेंगे कि विश्व कप हमारा हो इस बार। आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा और दर्शकों की एंट्री जारी है। विनय, तो अहमदाबाद में स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ नजर आ रही है दर्शकों की और एंट्री गेट पर भारी संख्या में लोग अभी से मौजूद नजर आ रहे हैं। फाइनल मैच आज होना है। बिल्कुल, उत्सव का माहौल है पूरा। और राशि, सुबह से क्या, कल से ही आप कहोगे तो जो अहमदाबाद से बाहर के लोग हैं वो लोग कल से ही पहुंचना शुरू हो गए थे और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है। पूरा एक उत्सव का माहौल, एक त्योहार का माहौल देखने को मिला है। आप देखेंगे जगह जगह स्टेडियम के बाहर आप देखेंगे तो टी शर्ट्स जो है भारतीय टीम की वो आपको देखेंगे कि आप वहां परचेज कर सकते हैं। तो ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही है और इतनी भीड़ है कि देखिये, कल से ही फ्लाइट्स की अगर बात करें तो फ्लाइट्स दिन की तो कोई मिल नहीं रही थी और रात की अगर बात करें तो रात की मिल रही है, लेकिन रात को जाने का फायदा क्या अगर मैच 2 बजे से ही शुरू होना है तो। बिल्कुल, और वाकई एक तरह से देखिए बहुत सारी चीजें हैं। हमने कल भी देखा था कि अहमदाबाद लोग पहुंच रहे हैं, ट्रेनों में भारी भीड़ नजर आ रही है, कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है, फ्लाइट्स की टिकट महंगी है, होटल महंगे हो गए हैं, लोगों ने पहले से अपनी प्री बुकिंग कराई होगी। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इंडिया फाइनल में पहुंचेगी कि नहीं, लेकिन उन्होंने फाइनल की टिकट जरूर कराई होगी। और सबसे अच्छी बात यह कि हम फाइनल में पहुंच गए हैं और केवल एक कदम दूर है विश्व कप के लिए। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, दर्शक वहां पर पहुंचे, किस तरह का उत्साह था वो भी सुनवा देते हैं, क्या कुछ कहना था उनका। ट्रैफिक का पूर्ता इंतजाम किया गया है, पार्किंग प्लॉट भी 17 जैसा पार्किंग प्लॉट है, वीवीआईपी प्लॉट भी 6 जैसे वीवीआईपी प्लॉट है और हमारे पास 1600 पुलिस पर्सन ऑन ट्रैफिक ड्यूटी पे है, उसमें 4 डीसीपी कक्षा के, 21 पीआई, 9 एसीपी और बाकी पुलिसकर्मी यहाँ बंदोबस्त में तैनात। आप देख रहे हैं बिल्कुल स्मूथ और प्रॉपर तरीके से मूवमेंट हो रहा है और अच्छी तरह से काम हो रहा है। सर, जो लोग मैच देखने आएंगे उनका वाहन पार्किंग के लिए उनको क्या अलग अलग गेट से? हर जगह पे साइनेजेस है, साइनेजेस प्रॉपरली है, कहाँ पार्किंग कहाँ जा रहा है, गेट कौन सा है, 1, 2, 3, 4 गेट भी कौन सा है, वो साइनेजेस इजीली है तो देख के ही पता चल जाता है, तो इसकी वजह से कोई तकलीफ नहीं हो रही और अच्छी तरीके से मूवमेंट हो रहा है। आप देख रहे हैं वाकई ये उत्साह नजर आ रहा है, केवल अहमदाबाद में ही ऐसा नहीं है विनय, अगर हम देखें तो बाकी जगहों में भी लोग दफ्तर पहुंच रहे हैं, टी शर्ट पहनकर पहुंच रहे हैं, यानी कि वो चीयर कर रहे हैं। मुझे लगता है दफ्तरों में भी बस क्रिकेट वाला माहौल देखने को मिलेगा शायद। देखिए, दफ्तरों की अगर बात की जाए तो दफ्तर तो वो इमरजेंसी वाली सेवाएं हैं, उनके लिए ही है, रविवार का दिन है, लेकिन हाँ आज चाहे बात करें हॉस्पिटल्स की, चाहे बात करें आप मीडिया कर्मियों की या आप जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं, उन लोग अगर अपने दफ्तर पहुंच रहे तो वहां पर खास उन्होंने तैयारी की है और वो उत्साह देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ अहमदाबाद की हम बात नहीं कर रहे हैं, अहमदाबाद के अलावा भी अलग अलग जगहों पर पूरे देश में, ना सिर्फ देश में, आप बाहर जिस तरह से हम बात कर रहे थे कल राष्ट्रीय, तो बाहर जितने भी भारतीय बसे हुए हैं, एनआरआई की जिनकी बात करेंगे, वो लोग अपनी तैयारी करके बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीरें सिर्फ अहमदाबाद से सामने नहीं आ रही है, इस तरह की तस्वीरें पूरे देश और जहां जहां पर हमारे देशवासी, हमारे भारत के लोग बसे हुए हैं, उन लोगों की तरफ से कुछ ऐसा ही उत्साह देखने को मिल रहा है और इस तरह के संयोग बन रहे हैं कि इस बार लग रहा है कि टीम इंडिया किसी भी एंगल से कम नहीं है, टीम इंडिया ये ट्रॉफी लेकर आएगी। बिल्कुल, चलिए और अहमदाबाद स्टेडियम के लिए अनुष्का शर्मा रवाना हो गए हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने के लिए रवाना हुई, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, मुझे लगता है आज वो मैच देखने जाएंगे, लेकिन अनुष्का शर्मा विराट कोहली की पत्नी और एक्ट्रेस जो वो आज ये मैच देखने जा रही हैं अहमदाबाद के लिए, वो रवाना हो गई हैं। और सबसे अहम बात ये है, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच चल रहा था, विराट कोहली ने अपना शतक पूरा किया, रिकॉर्ड तोड़े, तो एक अलग ही वो एक चेयर जो था वो दोनों एक दूसरे को करते हुए नजर आए थे, तो सोशल मीडिया पर भी वो वीडियो काफी ट्रेंड करता रहा। चलिए, अब अहमदाबाद में आज वर्ल्ड कप का ये फाइनल मैच है और टीम इंडिया ये स्टेडियम जा रही है, ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर विराट नजर आ रहे हैं और तमाम लोग जो हैं वो स्टेडियम की तरफ जाते हुए, प्लेयर्स जो हैं स्टेडियम की तरफ जाते हुए। 2 बजे मैच शुरू हो जाएगा, 1:30 बजे के लगभग टॉस होगा, उससे पहले टीम इंडिया को आप देख रहे हैं और वाकई 2003 का शायद बदला आज पूरा हो जाए, यही कोशिश होगी।
2003 में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थी, 125 रनों से भारत को हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में आज का दिन और भी अहम हो जाता है कि 20 सालों बाद ये ट्रॉफी हम उठाएंगे। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें हैं अहमदाबाद की, जहां से टीम इंडिया अब निकलकर जा रही है अपने स्टेडियम तक। और इस स्टेडियम की अगर बात की जाए, वहां पहुंचने का इंतजार तमाम लोग आपको दिख रहे हैं, टीम इंडिया के, पूरी टीम के, और इसमें चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, या तमाम शेयर की आप बात कर लीजिए, राहुल द्रविड को आप देखिए हेड कोच, और इस तरह से जिस तरह से ये जो पूरी टीम बनकर आई है, और कल हमने रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी थी राष्ट्रीय, इस टीम को बनाने के लिए जितने रिस्क लिए गए, जितने प्रयोग किए गए, जितनी मेहनत की गई है, उसका पूरा श्रेय राहुल द्रविड और इसके अलावा रोहित शर्मा को जाता ही है, क्योंकि इन लोगों ने पूरे 2.5-3 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी कि किसको किस तरह से क्या भूमिका में आगे लेकर जाना है। और इन द एंड जो निचोड़ निकलकर सामने आया, वो निचोड़ ये टीम है, 11 के 11 खिलाड़ी, 11 नहीं पूरा 15 का स्क्वाड आप देखेंगे तो उसकी अगर आप बात करेंगे तो उन 15 खिलाड़ियों में से कोई ऐसा नहीं लगता जो मैच विनर ना हो, एक एक खिलाड़ी मैच विनर। बिल्कुल, देखिए हार्दिक पांड्या चोटिल हुए, उसके बाद जिन प्लेयरों को, हालांकि उनकी जगह पे किसी को रिप्लेस तो नहीं किया गया, 5 बॉलरों के साथ कई मैच इंडिया ने खेले, लेकिन ऐसा हम कह सकते हैं कि 15 जो प्लेयर है वो कम नहीं है किसी से। एशिया कप में भी हमने भारतीय टीम का परफॉर्मेंस देखा है, तो फ्यूचर भी बहुत अच्छा है विनय जी, मुझे इसी वजह से नजर आ रहा है फ्यूचर। देखिए क्योंकि इस बार जो टीम इंडिया नजर आ रही है ये पूरा उल्टा हो रहा है। 2003 में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम हुआ करती थी जो लगती थी कि भैया ये सारे खिलाड़ी, इनमें से एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो मैच विनर ना हो, यहाँ उल्टा है। अब टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी ऐसे नजर आते हैं कि एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं लगता, एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं लगता कि जो मैच विनर ना हो, और इसीलिए इस बार हमारे चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और देखिए आप सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे, आप लोग सोचते हैं कि ये तो भैया टीम इंडिया के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि ये भारत के लोग हैं, हमने बाहर पाकिस्तानी मीडिया को भी सुना है, हमने इंग्लिश मीडिया को भी सुन लिया, सबको सुना है, उन्होंने यही कहा, मतलब बाहर हो गई है वर्ल्ड कप से, जो फाइनल तक नहीं पहुंच सके उनका भी यही प्रेडिक्शन रहा है। हमारे साथ कुछ लोग और भी जुड़े हुए, हमारे साथ हरियाणा न्यूज़ से संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं सोनीपत से, उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। लाजपत, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो कितना उत्साह देखने को मिल रहा है आज के इस मैच को लेकर? जी बिल्कुल राजश्री, देखिए जो राई मोतीलाल खेल कूद विद्यालय राई स्पोर्ट्स स्कूल है वहाँ हम मौजूद है, जहाँ क्रिकेट प्रेमी है, हमारे साथ गर्ल्स भी है, बॉयज भी है और टीचर भी है। हम सबसे पहले जो है गर्ल्स से बात करते हैं, जो लड़कियां हैं आज मैच को देखकर किस तरीके का उत्साह है, क्या मानते हैं कि क्रिकेट का जो मैच है उसमें हम कहीं ना कहीं जीत साबित कर सकते हैं? सारे रोहित शर्मा के साथ हैं, हम जरूर जीतेंगे, जैसे कि हमने 2012 श्रीलंका को हरा के तो अभी भी हम जरूर जीतेंगे। तो और भी बच्ची है हमारे साथ, उससे भी जानने का प्रयास करते हैं, बेटा क्या मानते हैं कि आज क्रिकेट हम जीत सकते हैं? हाँ जरूर जीत सकते हैं अगर जो अच्छे से खेले। बॉयज भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं आज, बेटा क्या उम्मीद लगती है क्योंकि आज मैच काफी टफ है और पूरे देश की, पूरे भारत की जो आज इस पर निगाहें हैं और खासकर प्रधानमंत्री भी वहीं पर हैं जो लाइव देख रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि क्रिकेट का मैच जो आज हमारे हाथ लग सकता है? ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बेहतरीन टीम है और लगातार 8 मैच जीतकर इंडिया के साथ फाइनल खेलेगी, और इंडिया भी लगातार 10 जीती है और अभी विजित है, और यहाँ पर विराट कोहली भी फॉर्म में है जो 711 रन बनाकर अव्वल पर चल रहे हैं, और ये एक रिकॉर्ड बना दिया है विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को 673 रन से पीछे छोड़कर, और हम विराट कोहली के साथ हैं जो आज भी एक शतक लगाए और 51 शतक ओवर पहुंचे और इंडिया को जीत दिलाए। और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, बेटा क्या मानते हैं कि आज क्रिकेट का जो मैच है पूरे देश का इस पर निगाहें हैं, पूरे भारत की निगाहें हैं, सभी इसको मैच को देख रहे हैं, आप भी क्रिकेट खेलते हैं तो खिलाड़ी होने के नाते क्या मानते हैं कि कैसे टफ मुकाबला रहेगा? पहले तो देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा जो वहां पर मैच देखने के लिए गए, और साथ ही साथ जो वहां पर छोटे से छोटा दर्शक पहुंचा उसका भी धन्यवाद करना चाहूंगा, और आखिर में यही कहना चाहूंगा जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं आज भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया का नाम। बिल्कुल, क्या मानते हैं बेटा कैसे आप क्रिकेट को देखते हैं? स्क्रीन टीम के एक खिलाड़ी का प्रदर्शन नहीं बल्कि पूरी टीम का साथ है आज इस वर्ल्ड कप में, जैसे खासियत बात यह है कि पूरी टीम का जो प्रोत्साहन रोहित शर्मा ने बनाया है वो एक काफी काबिल तारीफ है, और जो 12 साल का हमारा जो लंबा था 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता श्रीलंका को हरा कर, जो 2023 में हम आशा करते हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानशिप में हम दोबारा इस ट्रॉफी को खाएंगे और मेरा पूरा सपोर्ट टीम इंडिया के साथ। बिल्कुल,
टीचर है आप, काफी क्रिकेट प्रेमी है, किस नजर से देखते हैं क्रिकेट की, आप क्या उम्मीद मानते हैं? देखा जाए तो क्रिकेट सभी जितने भी हमारे देश में खेल खेले जा रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं, और आज ये जो क्रिकेट का महाकुंभ है उसका समापन होने पर आ रहा है, और दिवाली की गिफ्ट समझ लीजिए या जिस तरह से लोगों का जुनून है इस खेल के प्रति, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सामने हम सभी ये आशा करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं अपने सभी खिलाड़ियों को कि वो इस विश्व कप को जीतें और पुनः अब पूरे विश्व में अपने देश का परचम लहराएं। क्या लगता है कि आज दिवाली मन सकती है? दिवाली के दिन जो अभी कुछ दूर नहीं गए लेकिन आज फिर से दिवाली मनाई जा सकती है? दरअसल हमने दिवाली के पटाखे बचा के इसी दिन के लिए रख रखे हैं और आप देखेंगे कि जैसे ही रोहित शर्मा हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ से ये विश्व कप उठाएंगे तो उस समय ही हम असली बम पटाखे फोड़ेंगे। क्या खुशी है इतनी ज्यादा? बहुत खुशी है। बहुत क्या मानते हैं कि आज जो क्रिकेट पर पूरे देश की पूरे निगाहें हैं तो किस तरीके की खुशी है? क्योंकि जैसे अभी सर ने कहा है कि बहुत बड़ी बात है कि दिवाली का जो त्योहार है वो काफी बड़ा त्योहार होता है, तो आज क्या दिवाली मनाई जा सकती है? आज निसंदेह एक बार फिर भारतवर्ष संपूर्ण राष्ट्र दिवाली मनाएगा क्रिकेट टीम को और हमारे सभी जो प्रेमी है क्रिकेट प्रेमी उनकी तरफ से भारतीय क्रिकेट टीम को साधुवाद है और शुभकामनाएं देते हैं, और मेरा भगवान में पूर्ण विश्वास है और मैं ये मानता हूँ कि आज 100% पुनः दिवाली मनेगी और भारत जो है विश्व कप को लेकर एक बार पुनः जो है विश्व में अपनी परचम लहराएगा। राजश्री देखिए गर्ल्स हैं उनसे फिर जानने का प्रयास करते हैं। बेटा जैसे आज क्रिकेट का मैच है, आप आगे आइए, क्रिकेट का मैच है, किस तरीके से मानते हैं कि आज क्रिकेट पर कितनी निगाहें हैं, क्योंकि आप भी खुद भी क्रिकेट खेलते हैं तो क्या लगता है कि क्योंकि खेल का जो काफी बड़ा स्कूल है सभी बच्चे खेल में ज्यादातर ध्यान रखते हैं, तो क्या मानते हैं कि आज हमारे को क्रिकेट का जो मैच है जिस पर पूरे देश की आज निगाहें हैं और खासकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो खुद मैच देख रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि आज हम कुछ काफी नजदीक है? जी बिल्कुल, आज हम पक्का और सबकी निगाहें। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन उनके फेवरेट प्लेयर हैं जिन्हें वो आज देखना चाहेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म करे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से ही क्यों ना हो, चाहे वो इंडिया से ही क्यों ना हो। इंडिया टीम वी विल विन डेफिनेटली। आप बेटा क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं, सभी बच्चे हैं, बॉयज भी हैं, टीचर्स भी हैं, क्या अपना कोई फैन जैसे जो कोई खिलाड़ी होता है या कोई भी हीरो होता है या कोई भी, आप किसी खिलाड़ी को मानते हैं? कौन सा सबसे अच्छा खिलाड़ी खेल सकता है? शुभमन गिल। आपका बेटा? मेरा विराट कोहली। आपका बेटा? रोहित शर्मा। बॉयज से भी पूछते हैं जैसे गर्ल्स ने नाम लिए हैं, आप बेटा किसको फैन मानते हैं? विराट कोहली। विराट कोहली। आप बेटा? आप बेटा? विराट कोहली। विराट कोहली। रोहित शर्मा, विराट कोहली, अंजलि। विराट कोहली। बेटा आप किसको मानते हैं? विराट। विराट कोहली पर ज्यादा उम्मीदें हैं, विराट कोहली की जब से ज्यादा जो है वो उम्मीद बच्चों को है, टीचर से भी जानने का प्रयास करते हैं, आपके सबसे बड़े फैन की कौन से हैं, या बॉलिंग में या क्रिकेट में? देखिए हमारे देश की बैटिंग तो हमेशा से ही एक बहुत अच्छी रही है, लेकिन इस समय जो हमारे देश की बॉलिंग यूनिट है स्पेशली जैसे बुमराह है, शामी है, सिराज है और ऑलराउंडर जडेजा और कुलदीप, दरअसल अंतर इन बॉलर्स ने दिखाया है क्योंकि ये अपोजिशन की सारी टीमों को 30-40 ओवर के ही अंदर ऑल आउट कर पा रहे हैं। हमारे बैट्समैन तो हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं और विराट रोहित इनकी तो कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता, आज वर्ल्ड में नंबर वन नंबर टू पे हैं, लेकिन जो हमारी बॉलिंग यूनिट जो पहले कभी कमजोर पड़ी थी वो आज विश्व की सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग यूनिट के रूप में आ रही है, जो कि इंग्लैंड को 112 रन पे ऑल आउट कर देना या श्रीलंका को 55 रन पे ऑल आउट कर देना, साउथ अफ्रीका को 83 रन पे ऑल आउट कर देना, तो ऐसा कभी भी विश्व में पहले नहीं हुआ किसी भी वर्ल्ड कप में। तो हमें तो पूरा उम्मीद है कि आज भी ये वार्नर और ट्रेविस हेड और इनको किसी को चलने नहीं देंगे हमारे बॉलर, और यदि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पहले 2-3 विकेटें निकाल दी तो ये समझिए ये वन साइडेड मैच होगा और बुरी तरह हम ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे। आप आपके सबसे अच्छे फैन कौन से हैं जिसको आप मानते हैं कि क्रिकेट में खेलने में अच्छे हैं या बॉलिंग?
देखिए वैसे तो हमारी सारी ही भारतीय टीम बहुत अच्छी है और मैं सबका सम्मान भी करता हूँ और अच्छा प्रदर्शन भी किया सबने, लेकिन रोहित शर्मा है और विराट कोहली जो है वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, हमारे बॉलर भी बहुत अच्छा, तो मैं पूरा जो बने है दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले अविनय जी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें अभी की है जो सामने आई है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर, जो भीड़ नजर आ रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना उत्साह है। और वाकई मुझे ऐसा लगता है कि अगर फैंस की जब बात आती है तो भारतीय फैंस जो है वो टॉप पर होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि क्रिकेट एक फेस्टिवल की तरह है और इस बार त्योहार में ये क्रिकेट चलता रहा तो हम डबल दिवाली भी मनाते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और स्टेडियम के बाहर काफी कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी रैली होने जा रही है या कुछ बहुत बड़ा, जैसे कि हमने देखा था 1983 और 2011 में जब टीम इंडिया लौट कर आई थी और तब उसका स्वागत हुआ तो कुछ इस तरह के हालात थे, तो वो पहले से ही उस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है। सबसे बड़े स्टेडियम में आज ही मैच होने जा रहा है और उससे पहले ये तस्वीरें, मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट टीम होगी उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ रही होगी इसे मैनेज करने बिल्कुल, के बिल्कुल। लिए। और सिक्योरिटी को लेकर देखिए ना, आपकी करीब एक हफ्ते पहले से हमारे पास अपडेट आने शुरू हो गए थे कि किस तरह की सिक्योरिटी रखी गई है और किस तरह से वहां पर प्रबंध किए गए कि लोगों को परेशानी भी ना हो और हर तरह की वहां पर सुविधाएं, ऐसा नहीं क्योंकि देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है और ऐसे समय पर हर चीज का ध्यान रखना होता है। और वहां के पुलिस आयुक्त ने खुद इस बात की जानकारी दी थी कि चाहे वो ट्रैफिक को लेकर हो या वो स्टेडियम के बाहर की बात हो, हर तरह की व्यवस्था की गई है। और आप देखिए ज्यादातर मुझे तो कहीं येलो जर्सी में कोई नजर नहीं आ रहा है, सभी यहाँ पर ब्लू जर्सी में नजर आ रहे हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलियन फैंस की थोड़ी तादाद कम है और होगी भी क्योंकि चलिए ठीक है उनके देश में नहीं हो रहा है तो इंडिया में हो रहा है, लेकिन वाकई में जिस तरह से उत्साह है उस उत्साह को देखकर लग रहा है कि इस बार करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का आज एक सपना फिर से पूरा होने जा रहा है। बहुत लंबा इंतजार हम लोगों ने किया है 2011 के बाद से और ये तस्वीरें गवाही दे रही कि वो इंतजार आज खत्म होने जा रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात और है। ऑस्ट्रेलिया का देखिए राष्ट्रीय खेल भी है, वहाँ के स्टेडियम के स्ट्रक्चर्स कुछ अलग होते हैं, 2015 का ही ले लीजिए जब ऑस्ट्रेलिया ने अपने ही वो मेजबानी भी कर रहा था और जीता भी, तो उस वक्त जो तस्वीरें सामने आई थी वहां पर ये कहा जाता है कि वहां पे हर वर्ग क्रिकेट नहीं देखता, लेकिन भारत ऐसा देश है जहाँ पे क्रिकेट हर वर्ग के लोग देखते हैं, तो धर्म है पूरा और धर्म है तो आप समझिए क्रिकेट को धर्म की तरह पूजा जाता है। और देखिए ये लोग नहीं है सिर्फ, इसके अंदर जो आप देखेंगे नजारा मतलब वहां पे साउंड जो होता है उसके लिए भी एक अलग से ये बताया जाता है, जब भी कोई विकेट गिर रहा है या कोई कैच हो रहा है तो वहां दिखता है कि कितने डेसिबल पे आवाज जा रही है, तो वो चीज और भी ज्यादा सुखद होती है। और इस बार तो अलग तैयारी की गई, चाहे वो एयर शो को लेकर हो, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और कॉमेंट्री की अगर बात करें तो कॉमेंट्री के साथ में आप बराबर में जहां पर भी बैठे होंगे स्टेडियम के अंदर, तो वहां पर आप जैसे ही ब्रेक होगा, ब्रेक का मतलब जैसे ही ओवर खत्म होगा, तो वहां पर आपको अच्छे अच्छे गाने भी सुनने को मिलेंगे। ना सिर्फ और मुझे लगता है ये एक्साइटमेंट हमारे अंदर भी है विनय जी और दर्शकों के अंदर, मतलब मुझे तो लगता है कि ये जो सेमीफाइनल के बाद का जो आज तक का जो वक्त निकला है वो उसी धक-धक में निकला है कि क्या होगा फाइनल में। ठीक है, पृथ्वीराज से भी कुछ लोगों ने अपने रिएक्शन दिए आज के मैच को लेकर, वो भी तस्वीरें दिखा देते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं वहां पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच को लेकर लगातार दर्शकों की निगाह जो है वो इस वक्त मैच पर बनने वाली है, जैसे मैच शुरू होगा लगातार लोग मैच पर अपनी टकटकी लगाए हुए मैच को देखने के लिए बेताब नजर आएंगे। तमाम जो लोग हैं, मैं युवाओं की बात करूं तो यहां पर क्रिकेट खेलते हुए आपको नजर आएंगे, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर आज का मैच कितना रोमांचक होने वाला है और क्या कुछ मैच के अंदर जो प्रक्रिया है वो कुछ होने वाली है। क्या नाम है भाई साहब आपका? भाई सुमित गोले। सुमित, आज वर्ल्ड कप होने वाला है, फाइनल मैच है, क्या देखते हैं कौन जीतेगा, किसका स्कोर अच्छा होने वाला है? पहले तो सभी दर्शकों को भारत माता की जय, जय श्री राम। भाई जीतेगी और इंडिया ही जीतेगी, ये कोई इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। बड़ा अच्छा क्रिकेट खेला है हमारी इंडिया टीम ने और जीतनी भी चाहिए, जिस प्रकार से हमारी मेहनत है और हमारे फैंस की, जो 2 बजे का अभी हमारा टाइम है उस समय मैच चालू होगा तो वो काटना भारी हो रहा है, इसलिए हम अभी देख रहे हो सुबह से सारे बच्चे इकट्ठे हो रखे हैं, मैच चल रहा भाई आनंदित करते ही। तो क्या लगता है कितना स्कोर इंडिया बना पाएगी और किस तरह का मुकाबला इस बार होने वाला है? भाई स्कोर तो 300 प्लस ही होना चाहिए और टीम जब ही मस्त खेलेगी और मजा भी जब ही आएगा, 300 पार अगर स्कोर बनाएगी इंडिया पहले खेल के तो 300 पार का तो होना चाहिए कम से कम। बिल्कुल, लगातार इंडिया की जीत का दावा यहाँ पर जो लोग हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवीर कौशिक है। सतवीर जी, मैच है आज 2 बजे से शुरू होने वाला है और लगातार सभी लोग मैच के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, क्या लगता है क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा?
निष्कर्ष ये है कि आज भारत पहले बल्लेबाजी करेगी और कम से कम भारत 350+ रन टारगेट देगी, जो कि अपोजिट टीम का अचीवमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो कौन कौन से खिलाड़ी स्कोर कर सकते हैं, जिस तरह से पिछले मैचों में कोहली का बढ़िया रिकॉर्ड रहा है, तो अब की बार क्या लगता है, क्या शतक के करीब वो पहुंच पाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, शुरुआत के 10 ओवर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं इस मैच में, क्योंकि जिस तरह से हिटमैन गेंदबाजों को अच्छी तरह से हिट कर रहे हैं, उस हिसाब से मेरे को लग रहा है अगर शुरुआत के 10 ओवरों में अगर रोहित शर्मा अगर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो और पीछे आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक आसानी रहेगी। और जो कि हमारे 50 सेंचुरी लगा चुके हैं विराट कोहली, इस बार उम्मीद है कि 51 सेंचुरी उनके बल्ले से फिर एक बार निकलेगी। बिल्कुल, लगातार सभी जो दर्शक हैं वो कहीं ना कहीं मैच का शुरू होने का इंतजार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम ओम कौशिक है। ओम कौशिक जी, वर्ल्ड कप होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का मैच है, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ स्कोर रहने वाला है और कौन सा खिलाड़ी जो अपने स्कोर है शतक तक पहुंचने की जो गनीमत है वो लगती है आपको? आज डेफिनेटली इंडिया जीतेगी, एंड इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो कम से कम 70-80 रन के फासले से इंडिया आज मैच जीतेगी। और रोहित, मेरा जो मानना है, रोहित शर्मा कम से कम आज 150+ स्कोर करेगा, डेफिनेटली 150+ स्कोर आज रोहित शर्मा करने वाला है। और बुमराह और शमी का गेंदबाजी में आज अहम योगदान रहेगा, और विराट कोहली जो कि आप 50 सेंचुरी वो ऑलरेडी लगा चुके हैं, उसमें भी मैच का बहुत हो रहेगा। शुभमन गिल के कंधों पर भी दारू मदार है। बाकी इंडिया सारे मैच जीती है, ये मैच भी इंडिया 2003 का बदला ऑस्ट्रेलिया से जरूर लेगी और जीतेगी, 100% जीतेगी। बिल्कुल, लगातार सारे मैचों में बढ़िया स्कोर करने के बाद जो भारतवासी है वो लगातार इंडिया की जीत का दावा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के इस रोमांचक मैच के अंदर किसकी जीत होती है। हरियाणा न्यूज के लिए धीरज कौशिक की रिपोर्ट। दो बार की विश्व कप की विजेता और 5 बार की विश्व विजेता अहमदाबाद में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएगी। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार पिछले 12 साल से देश के साथ साथ दुनिया में रह रहे करोड़ों भारतीय कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक कई देश जो है वो विश्व कप जीत चुके हैं, अब बारी 2023 की है। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कौन विश्व कप जीतता है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट में आपको ये बता देते हैं कि अब तक कौन कौन से देश विश्व कप जीत चुके हैं। वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार पिछले 12 साल से देश के साथ साथ पूरी दुनिया में बसे हुए करोड़ों भारतीय कर रहे थे। देश में क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है और वर्ल्ड कप को क्रिकेट के महाकुंभ के रूप में पहचाना जाता है और 4 साल में खेले जाने वाले विश्व कप को त्योहार की तरह समझा जाता है। भारत में क्रिकेट काफी लोकप्रिय है और इसकी लोकप्रियता मैदान में भी नजर आती है। इस बार टीम इंडिया कंगारुओं से 2003 का बदला लेकर ट्रॉफी उठाने को बेताब है और इस बार संभावनाएं ज्यादा ही नहीं, लोगों को विश्वास है कि विश्व कप भारत का है। 1983 में भारत के विश्व कप जीतने की संभावना शून्य के समान थी। उस समय कोई नहीं मानता था कि टीम इंडिया विश्व कप जीतेगी, लेकिन टीम इंडिया ने यह कर दिखाया। इसके बाद विश्व कप जीतने के लिए भारत को 2011 तक का इंतजार करना पड़ा। कैप्टन कूल ने भारतीयों का इंतजार खत्म किया और ट्रॉफी उठाने का काम किया। अब मौका तीसरी बार इस ट्रॉफी को उठाकर क्रिकेट का सरताज बनने का है। अब तक कई विश्व कप खेले गए, इनका इतिहास आपको बताते हैं। 1975 में वेस्ट इंडीज ने जीता। पहला विश्व कप 1975 में खेला गया। इस दौर में क्वालिफायर मैच नहीं खेले जाते थे। 8 टीमों के साथ विश्व कप खेला गया। पहला विश्व कप वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जीता था। 1979 में विश्व कप वेस्ट इंडीज ने जीता। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 92 रनों से हराया था। भारत अपने ग्रुप के 3 मैच में कोई मैच नहीं जीत सका था। तीसरा विश्व कप 1983 भारतीय टीम ने जीता। इंडियन क्रिकेट टीम ने इस विश्व कप में कपिल देव के नेतृत्व में इतिहास रच डाला। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 183 रन बनाए थे। भारतीय टीम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज को महज 140 रन पर समेट दिया था।
चौथा विश्व कप 1987 ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता। इस विश्व कप की मेजबानी भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से की थी। भारत इस विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रहा था। फाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच रहा। एलन बाउडर के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया पहली बार विश्व चैंपियन बना। पांचवा विश्व कप 1992 पाकिस्तान ने जीता। फाइनल मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला गया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 249 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में इंग्लिश टीम 227 रनों पर बिखर गई। छठा विश्व कप 1996 श्रीलंका ने जीता। फाइनल में श्रीलंका का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के सामने 242 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे श्रीलंका ने 47वें ओवर में महज 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। डिसिल्वा प्लेयर ऑफ द मैच और जयसूर्या प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किए गए। 1999, 2003 और 2007 का विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 1999 में फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच था। शेन वॉन की फिरकी में उलझकर पाकिस्तानी टीम महज 132 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने इस लक्ष्य को केवल 20 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 2003 में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे। भारत को 125 रनों से हार का सामना करना पड़ा। 2003 में रिकी पोंटिंग प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का सम्मान सचिन तेंदुलकर के खाते में गया। 2007 में फाइनल मुकाबले में उसके सामने 1996 की चैंपियन श्रीलंका की टीम। श्रीलंका को इस विश्व कप में हार का सामना करना पड़ा था। और ग्लेन मैकग्रा प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। 10वां विश्व कप 2011 विश्व कप भारत ने जीता। कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पाकिस्तान को हराकर हम फाइनल में पहुंचे। मुकाबला श्रीलंका से था। श्रीलंका ने भारत के सामने 275 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा। गौतम गंभीर और कप्तान धोनी की बेहतरीन पारियों की बदौलत भारत ने इस मैच को जीता। धोनी प्लेयर ऑफ द मैच और युवराज सिंह प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। 11वां विश्व कप 2015 ऑस्ट्रेलिया जीते। मेलबर्न में खेले गए विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया ने केवल 3 विकेट खोकर 101 गेंदों में शेष रहते आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और जीत दर्ज की। 12वां विश्व कप 2019 इंग्लैंड की टीम जीती। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड खुद ही से पहले कभी विश्व कप नहीं जीत सका था। 2019 में उसका इंतजार खत्म हुआ। फाइनल मुकाबले को विश्व कप इतिहास का सबसे रोमांचक मैच कहा जाता है। टाई होने के बाद सुपर ओवर तक गई, लेकिन वहां भी मामला बराबरी का रहा। आईसीसी के एक अनोखे नियम के तहत ज्यादा बाउंड्री लगाने के आधार पर इंग्लैंड को विजय घोषित किया गया। इस बार टीम इंडिया जिस फॉर्म में है उसे देखकर यह साफ है कि विश्व कप हमारा होगा। 11 खिलाड़ियों में से किसी एक को भी ये नहीं कह सकते कि इसे बाहर किया जाए। मौका भी है, माहौल भी है। अहमदाबाद सज चुका है, बस कुछ पलों का इंतजार और इंडिया विश्व कप उठाने को बेकरार। चलिए बात कर लेते हैं अहम खबर की। अनुष्का शर्मा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने के लिए रवाना हुई है, अहमदाबाद स्टेडियम के लिए रवाना हुई है अनुष्का शर्मा। कुछ देर पहले हम तस्वीरें दिखा रहे थे जब प्लेयर्स भी अहमदाबाद के स्टेडियम की तरफ रवाना हो रहे थे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तरफ। अनुष्का शर्मा भी मैच देखने के लिए रवाना हो गई है, तो एक बार फिर से ये अहम खबर बता दें, क्योंकि अनुष्का शर्मा मैच देखने जा रही है। एक वो दौर था विनय जी, आपको भी याद होगा, जब विराट नहीं चल रहे थे तो अनुष्का को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था, तो मुझे लगता है वो सही नहीं था। लेकिन अब का ये दौर है, अब तो विराट चल रहे हैं, अब तो अनुष्का भी मैच देखने जाती है। देखिए अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से विराट कोहली का साथ दिया है उनकी पत्नी ने, वो वाकई में काबिल तारीफ है। क्योंकि देखिए अच्छे समय में हर कोई साथ खड़ा होता है, लेकिन बुरे समय में अनुष्का ने जिस तरह से उनको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए या उनको पूरा समय दिया, और जिस तरह से हमने देखा भी कि अलग अलग जगहों पर वो अपना पूरा मानसिक तौर पर शांति के लिए घूमते हुए नजर भी आए थे, उस चीज का फर्क पड़ता है। और विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में कहा भी था, ये कुछ नहीं होता है ऐसा, इन सब बातों से कोई नहीं फर्क पड़ता। अगर कोई मैच देखने जा रहा है तो मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, हर किसी का एक वक्त रहता है। खैर ये तस्वीरें भी सामने आ गई है, वो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब आज भी ये देखना होगा कि किस तरह से चीयर करती है पूरी इंडिया टीम को अनुष्का शर्मा, और खासकर वो मोमेंट जो बार बार सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है, जब विराट ने
रिकॉर्ड तोड़ा और उसके बाद अनुष्का ने जिस तरह से उन्हें चीयर किया, खुशी जाहिर की, वो वाकई काफी अच्छा मोमेंट रहा है। वो तो अनुष्का शर्मा ही नहीं, बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जिनको हम ज़्यादातर टीवी पर ही देखते हैं, चाहे हम बात करें बॉलीवुड हस्तियों की या फिर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो कि बहुत बड़ी हस्तियां हैं। हाँ। तो ये तमाम लोग पहुंच रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्रिकेट का महाकुंभ। बिल्कुल, वानखेड़े में जब मैच खेला गया था तो काफी सेलिब्रिटीज थे, और ये विराट कोहली की पत्नी है, लेकिन आप रोहित शर्मा की पत्नी को भी देखेगा विनय जी, वो हमेशा फिंगर क्रॉस करके बैठती है। जब तक रोहित शर्मा मैदान में होते हैं उनका वो फिंगर क्रॉस रहता ही रहता है, और मुझे लगता है जो वहां पर स्टेडियम में जो कैमरामैन होते हैं वो वहीं पर फोकस करते हैं उनके फिंगर क्रॉस की तरफ। वो ये बताना चाहते हैं कि वो हर बार फिंगर क्रॉस करके बैठती है। देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है और अच्छी बात है। देखिए 1983 की बात कर लीजिए, 2011 की बात कर लीजिए, तो सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसी सोच होती है, अंदर दिमाग में रहता है कि ऐसा रहेगा तो बेहतर रहेगा, और वो देख भी देखने को मिल रहा है। और देखिए खास तौर पर हमने सिर्फ अनुष्का नहीं, सिर्फ रोहित शर्मा की वाइफ नहीं, हमने तमाम क्रिकेटर्स, चाहे रविंद्र जडेजा की आप बात कर लीजिए, वहां पर रविंद्र जडेजा की वाइफ मौजूद थी। हाँ। पिछले मैच में उन्होंने जितने कैच पकड़े रविंद्र जडेजा, तो वो भी यही सोचे थे बस भाई पकड़ लेना है इसको, छोड़ना मत, और वो देखने को मिल रहा था। तो उससे लगता है कि देखिए कितना ज्यादा रगों में, दिल में ये बसा हुआ है कि अगर आप एक कैच छोड़ दोगे तो दिल टूट जाएगा करोड़ों लोगों का, तो प्लीज ऐसा ना करना। और वाकई में उस मैच में बात तो चल रहा है, हम घर परिवार की भी हम बात कर रहे हैं, तो आपको चलिए वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि गुरुग्राम में कोहली का घर भी है। हाँ। तो उसके आसपास का माहौल किस तरह का है, हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने जायजा भी लिया है। क्या उम्मीद आज के मैच में? तो पूरा उम्मीद है सर कि आज भारत जीतेगा। टीम इंडिया इतनी फॉर्म में, हर मैच में भी जीते हुए आ रही है, पक्का इस बार भी जीतेगा। किस बल्लेबाज से उम्मीद है आपको? हमें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा अभी तो सारा ही फॉर्म में है, बॉलिंग में मोहम्मद शमी ने ऐसे ही कहर बरसा रखा है, विराट कोहली के बल्ले से तेज रन निकल रहा है, अभी सबसे ऊपर में 700+ रन बना के और सबसे ऊपर में खड़ा हुआ है। तो आपने तो अभी विराट कोहली के घर के बाहर क्या कुछ तस्वीरें ली हैं? कैसे? बस एक फीलिंग होती है सर कि विराट कोहली के घर के सामने खड़े हैं, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। तो ये वीडियो जो शूट की है किन किन को दिखाएंगे अब आप? बस फ्रेंड को दिखाएंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक वहाँ पर शेयर करेंगे, थोड़ा दिल को अच्छा लगता है कि विराट कोहली के घर को देख के आ रहे हैं। तो आप भी विराट कोहली के घर के बाहर आए हैं, क्या कुछ देख रहे हैं? यहाँ से एक सेल्फी लेने आए हैं विराट कोहली घर पे। सेल्फी लेकर अपने दोस्तों को सबको भेजेंगे? फिर फ्रेंड्स को भेजेंगे, दोस्तों को भेजेंगे। कभी देखा भी विराट कोहली को यहाँ पर घर के आसपास? हमें नहीं देखा है कभी, नहीं नजर नहीं आए, नजर नहीं आए कभी मेरे। देखिए बिल्कुल विराट कोहली के तमाम फैंस हैं जो विराट कोहली के घर के बाहर की तस्वीर जो है अपने फोन में कैद कर रहे हैं, और ऐसे में सभी को आज इंतजार है कि बल्ला जो है विराट कोहली का चले, और लेकिन सभी जितने भी टीम के अन्य जो क्रिकेटर हैं उन सभी से उम्मीद कर रहे हैं, और बॉलरों जो बॉलर हैं शमी हैं उनसे भी उम्मीदें हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आज के फाइनल मुकाबले में किसका बल्ला चलता है, किसकी बॉलिंग कमाल करती है, और 20 साल बाद जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच आज फाइनल मुकाबला वर्ल्ड कप का देखने को मिलेगा, तो लोग जो है बेसब्री से इस समय इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। चलिए तो एक बार फिर से ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही है, अभी कोहली के घर की तस्वीर हमारे संवाददाता गुलशन दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग वहां पर पहुंचे हैं विनय, बस वो घर के पास पहुंचे हैं कि वो फोटो खिंचा सकें, और वो शेयर करेंगे कि हम विराट कोहली के घर के सामने थे और हमने वहां से फोटो खींची है। आप इससे ही अंदाजा लगाइए, इसे फैन कहते हैं, फैन फॉलोइंग कहते हैं। तो चलिए वो तस्वीरें थी, और ये बड़ी खबर सामने आ गई है, आज भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद अहम दिन है। श्रेयस अय्यर के पूर्व कोच ने ये स्टेटमेंट दिया है, वो हर किसी के लिए अहम दिन है, मुझे विश्वास है भारत विश्व कप जीतेगा। तो अय्यर के पूर्व कोच का ये स्टेटमेंट है, आज भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद बड़ा दिन है, वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो ये तमाम
वो लोग भी हैं राजश्री जिन्होंने इन खिलाड़ियों को उभारा है, इन खिलाड़ियों को यहाँ तक पहुँचाने में इनका भूमिका भी रहती है, तो इनका रिएक्शन जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए हर कोई यही कहेगा कि टीम इंडिया जीतेगी, लेकिन वाकई में अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई नहीं चाहेगा कि आप किसी तरह का अप्स एंड डाउन को झेले। जिस तरह का आपने प्रदर्शन किया है पहले मैच से लेकर अब तक, वही प्रदर्शन देखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते टक्कर का मैच हो, हम चाहते हैं टीम इंडिया एक तरफ जीत जाए, वो ज्यादा अच्छी बात है। चलिए क्या कुछ कहा है उन्होंने वो भी सुनवा देते हैं। नमस्कार, मुझे पता है कि आज का दिन कितना बड़ा है इंडियन क्रिकेट के लिए, जैसे कि अपनी इंडियन टीम ये पूरी टूर्नामेंट वर्ल्ड कप की जो खेली है, जैसे 9 लीग मैचेस थे, हम जो बढ़िया प्रदर्शन था सेमीफाइनल में हमारा बढ़िया प्रदर्शन है, वो मैं यही चाहूंगा कि और एक दिन हमारा प्रदर्शन बढ़िया रहे, और सारे सारे क्रिकेट प्रेमियों की दुआएं उनके साथ रहेगी, और मेरी तरफ से काफी बेस्ट विशेष रहेगी कि आज का एक जो दिन है बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इंडियन क्रिकेट के लिए, और मैं पूरा विश्वास है कि हम अपनी टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आज का ये कप जरूर जीतेंगे। श्रेयस के बारे में कहना चाहूंगा कि श्रेयस के लिए एक कोई भी क्रिकेटर का एक सपना होता है कि भारतीय टीम को वर्ल्ड कप को रिप्रेजेंट करे, और श्रेयस को आज ये मौका टीम सिलेक्शन कमिटी ने दिया हुआ है, और वो उसने जिस तरह से प्रदर्शन किया है कि 500 से ज्यादा रन उसने ये लीग में बनाए हैं ये वर्ल्ड कप में, तो मैं यही चाहूंगा कि जो टीम मैनेजमेंट श्रेयस से जो उम्मीद रहेगी, जो सिचुएशन आएगी, वो सिचुएशन की तरफ से उसने बैटिंग करना चाहिए, और ये अच्छा बड़ा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और जैसा उसका प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के साथ जैसे वनडे सीरीज हुई थी उसके सामने उसने शो किया था, वैसी तरह से वो माइंडसेट से जाए, और ये बड़ा दिन है, और ये वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को ढेर सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। तो बाकी आज इन कोच को भी काफी प्राउड फील हो रहा होगा विनय जी, मुझे ऐसा लगता है कि अय्यर ने जिस तरह से परफॉर्मेंस अपना दिया है तो वो दिख रहा था जब वो अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, हालांकि पूरी टीम के लिए वो प्राउड फील कर रहे होंगे, लेकिन खास कर उन्होंने जिक्र किया अपने प्लेयर का। अय्यर का जो खेलने का जो डाउन है, जिस जगह वो आते हैं खेलने के लिए, वो बहुत बड़ी भूमिका होती है, वहाँ आपको एक फिनिशर की भूमिका भी निभानी होती है, वहाँ आपको टिककर भी खेलना होता है, लेकिन श्रेयस अय्यर जिस तरह से खेला है वो वाकई में बहुत ज्यादा तारीफ करने योग्य है। और देखिए जो उन्होंने सिक्सेस मारे हैं, रोहित शर्मा के बाद सिक्सेस मारने वाले भारतीय जो इस विश्व कप में है वो वही है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की बल्लेबाजी, और हम तो लगातार बात करती रहते हैं किस तरह की बल्लेबाजी में चेंजेस किया उन्होंने, पहले हम देखते थे टाइमिंग से ज्यादा खेलते थे, अब वो कुछ मैक्सवेल वाले अंदाज में नजर आते हैं बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से देखा जाए तो पिछला उनका जो मैच रहा है, विराट कोहली ने भी शतक मारा, इन्होंने भी शतक मारा, लेकिन इनकी गेंदें कम थी, कम गेंदों में इन्होंने शतक मारा, तो वो काफी बेहतरीन रहा। ऐसा बल्लेबाज था जिसने वर्ल्ड कप में भारतीय की तरफ से, यानी कोई भी भारतीय ऐसा है जिसने, तीसरा ऐसा बल्लेबाज था जिसने बहुत तेज शतक लगाया। बिल्कुल ठीक है, ये 6 तस्वीरें हैं, वाकई ये तो दिखना ही था कि पूजा पाठ का ये जो दौर है वो शुरू हो गया होगा, सुबह से ही ये तस्वीरें सामने आ रही थी, उज्जैन, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिंधिया घाट, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे लगता है मैक्सिमम प्लेयर्स जो हैं वो जाते ही हैं, पिछले दिनों केएल राहुल पहुंचे थे, विराट कोहली अक्सर यहाँ पर नजर आते हैं, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिंधिया घाट, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उज्जैन, किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है, विशेष जो है वो भारतीय टीम को दिए जा रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स हैं विनय जी, मैं चाहूंगी आप एक बार टीम ये अहमदाबाद के अंदर की अगर बात करें, इस पिच पर 3 मैच भारतीय टीम ने खेले और तीनों जीते हैं, ये ओवरऑल मैच इंडिया ने जो खेले, अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया 3 बार आमने सामने आए हैं, भारत 2 जीता है, 1 ऑस्ट्रेलिया जीता है, कुल मैच ऑस्ट्रेलिया और भारत के 150, 57 भारत ने जीते हैं, 83 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, यहाँ थोड़ा भारी है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड कप में बात करेंगे तो 13 मैच है और उनमें से 5 भारत जीता है और 8 ऑस्ट्रेलिया जीता है, तो ये जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों में टीम इंडिया कहीं पर कम नजर नहीं आती, ओवरऑल में इसलिए कम नजर आती क्योंकि टीम इंडिया आज जैसी है वो शायद पहले नहीं होती थी। तो ये कुछ ग्राफिक्स, और ये ग्राफिक्स अपने आप में ये बता रहे हैं कि आज कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं टीम इंडिया के जीतने की, 83 मैच ओवरऑल में जरूर जीते हों ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन आप अलग तरीके से देखेंगे, अहमदाबाद की बात करेंगे तो अहमदाबाद में भारतीय टीम ही भारी रही है, ये स्टेडियम जो बनकर तैयार हुआ था उसके बाद से भारतीय टीम वर्ल्ड कप में 3 मैच यहाँ खेली और तीनों के तीनों मैच भारतीय टीम यहाँ पर जीती है, ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करेंगे। और मुझे ये भी लगता है इसमें जो वो जो दौर रहा है और अभी के दौर में काफी फर्क है, तो एक तरह से इधर भी ये ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, धुरंधर हैं जिन पर नजर रहेगी, मोहम्मद शमी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, कप्तान रोहित शर्मा तेजी से सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले, ये हमारी टीम ने बड़ा अच्छा रिसर्च किया है, उन्होंने ऐसे लोगों को निकाला है जिन्होंने कुछ ना कुछ अलग ही किया है,
ये शुभमन गिल है जो ओपनिंग में रोहित शर्मा के साथ उन्होंने कुछ ऐसा प्रदर्शन किया है कि लंबी उनको एक वो दी जाए, शुरुआत दी जाए और वो देखने को मिल रही है। केएल राहुल बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, इनका औसत देखिए 77.20 का है और इसके बाद जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के मामले में ये बहुत आगे चल रहे थे, वो तो समी आ गए तो इस वजह से थोड़ा पीछे हो गए, लेकिन गेंदबाजी और इकोनॉमी इनका जो है वो किसी का नहीं है इतना आगे। कुलदीप यादव पर इसलिए ज्यादा नजर रहेगी क्योंकि ये पिच जो है स्पिन को थोड़ा ज्यादा मदद करेगा, तो 15 विकेट ले चुके हैं। और श्रेयस अय्यर की हम बात कर ही रहे थे, लगातार 2 शतक लगाए हैं, विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले 3rd बल्लेबाज ये बन गए हैं। ये टीम इंडिया के धुरंधर हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी दिखाएंगे, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन ये आ गए ऑस्ट्रेलिया के भी आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के धुरंधरों की अगर बात करेंगे, डेविड वार्नर सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में ऑस्ट्रेलिया में यही है अगर इस वर्ल्ड कप की अगर आप बात करेंगे। और इसके अलावा ट्रेविस हेड 192 रन बनाए, 1 शतक लगाए, लेकिन इन्होंने पिछले मैच में जो किया वो बहुत ही अकल्पनीय था, विकेट भी इन्होंने लिया था, 2 विकेट लिए थे, वो बहुत बड़ी बात है। ग्लेन मैक्सवेल को कोई नहीं भूल सकता इस वर्ल्ड कप के लिए, आगे भी कभी कोई नहीं भूल सकता, इसमें भी नहीं भूल सकता। इन्होंने 398 रन बनाए, 201 रन की पारी, कोई नहीं भूल सकता। एडम जेम्पा दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं मोहम्मद शमी के बाद, ये वो खिलाड़ी है जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। कप्तान पैट कमिंग्स 10 मैच में 13 विकेट लिए हैं, लेकिन बल्लेबाजी की जो क्षमता है इनकी वो हमने ग्लेन मैक्सवेल के साथ हमने देखा था कि किस तरह के हैं। तो हमने धुरंधर आपको इसके भी दिखा दिए। डेविड वार्नर को हम इसलिए चाहते हैं कि ये जल्दी आउट हो जाए, क्योंकि अगर एक बार ये टिक जाते हैं तो वो बड़ी तेजी से रन बनाते हैं। ट्रेविस हेड तो शुरुआत से ही तेज रन बनाते हैं, रोहित शर्मा के अंदाज में खेलते हैं, तो बेहतर है कि इनको भी जल्दी से निपटा दिया जाए अगर टीम इंडिया चाहती है जल्दी से मैच पर कवर कर लिया जाए। मैक्सवेल हमेशा से परेशानी रहे हैं, भारतीय टीम को बधाई। बिल्कुल 140 करोड़ भारतीय आपकी जय जयकार कर रहे हैं, ठीक बात कही उन्होंने, वाकई अच्छा खेले और खेल भावना को बरकरार रखे। तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं मैच देखने के लिए, उससे पहले उन्होंने भारतीय टीम को बधाई दी है। हालांकि सेमीफाइनल जब इंडिया जीती थी, फाइनल में पहुंची थी, तब भी प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर उन्हें सराहा था और वाकई तारीफ उन्होंने की थी। और भारतीय टीम जिस तरह का कमाल दिखा रही है, मुझे लगता है कि इस बार विश्व कप घर ही आए, यही हम भी चाहेंगे। और विनय जी, आप उसमें सहयोग का एक जिक्र कर रहे थे कि इस बार कोई भी मैच भारत नहीं हारी है पूरे मैच, 2003 में ऑस्ट्रेलिया के साथ ये कंडीशन थी, ये वही तो सहयोग है। बिल्कुल बिल्कुल तो, और देखिए मैं वही कह रहा था कि उस टाइम जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी उसको हराने के लिए बड़ा सोचना पड़ता था कि इसे कैसे हराया जाएगा। 125 रन मतलब बड़ा अंतराल है, अब तो इंडिया लोगों को 125 रन से हरा रही है बाकी टीमों को, तो वाकई एक अंतराल वो रहा है। उस टाइम एक गलती थोड़ी सी टॉस के समय हो गई थी और सौरभ गांगुली अगर चाहते तो पहले गेंदबाजी की जगह बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद ओस पड़ेगी तो हमें थोड़ा सा बल्लेबाजी में फायदा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। सिर्फ एक वीरेंद्र सहवाग थे और जिन्होंने 82 रन की पारी खेली थी, लेकिन वीरेंद्र सहवाग के अलावा कोई बल्लेबाज टिका नहीं और इसी वजह से इतनी बुरी तरह से हमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ठीक है, देखिए इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़े। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड को हमने बदला ले लिया है, अब ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना है तो वो बदला हो जाएगा क्योंकि इस तरह के ही संकेत मिले हैं। बिल्कुल, और उस समय ये चल रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हो गए और वो वीडियो बार बार, आज गांगुली उस समय कप्तान थे, तो दादागिरी आज इंडिया को दिखानी पड़ेगी। तो ये चीजें हैं वो मैच, तो देखिए अगर आप इससे पिछली बार की बात कर रहे हैं जब सेमीफाइनल से हम बाहर हो गए थे न्यूजीलैंड से हार के, तो वहां पे रन भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा गेंदे पड़ी थी, गेंदे भी कम थी, वहां आपको एक हिटर की जरूरत थी। और देखिए हमने धोनी को बहुत कम रन आउट होते हुए देखा है, लेकिन कहते हैं जब भाग्य साथ ना दे तो ऐसा ही होता है। और देखिए कंडीशंस भी वही थी ना, यहाँ वहां पर उनको कंडीशंस का फायदा मिला, उनके होम ग्राउंड का, यहाँ हमें फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से मैचेस खेले हैं आप, एक भी मैच, सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जो शुरू में 1-2 ओवर के लिए, 3-4 ओवर के लिए लगा था कि भैया कुछ अलग ना हो जाए, लेकिन उसके बाद मिरेकल ही होता है मुझे ऐसा लगता है। जैसे आप T20 का एक मैच याद रखेंगे, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज आमने सामने थी, 3 छक्कों की बदौलत वेस्ट इंडीज जीत गई थी, ब्रैथवेट ने छक्के मारे, बिल्कुल। और वो मतलब वो मैच काफी रोमांचक था, मतलब किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन वाकई। और उसके बाद इंग्लैंड के जो प्लेयर थे वो काफी निराश भी नजर आए थे पूरे स्टेडियम में, वो रोते हुए भी कई लोग तो नजर आए थे, मुझे आज भी याद है। 4 छक्के और मतलब उम्मीद नहीं थी कि वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो उस समय बहुत अच्छे हालात में नहीं थी कि भैया वर्ल्ड कप जीत जाएगी, और उन्होंने जिस तरह छक्के मार के जिताया था तो वाकई तारीफ उस समय करनी होगी। तो मैच में कुछ भी हो सकता है कभी भी, और ये हमने मैक्सवेल के जरिए भी देख लिया, ये हमने विराट कोहली के जरिए भी देख लिया, ये हमने केएल राहुल के जरिए देख लिया, अय्यर के जरिए देख लिया, रोहित शर्मा, तमाम लोग हैं, इनकी कितनी आप तारीफ करेंगे वो बहुत कम है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम बार बार दिखा रहे हैं क्योंकि ये बताना भी चाह रहे हैं कि आज संडे है, लेकिन उससे बड़ा दिन है आज कि आज इंडिया फाइनल में पहुंच गई है और उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होना है। भारतीय फैंस
और घर घर में क्रिकेट यहाँ पर देखा जाता है। जब तक ये विश्व कप चला, 5 तारीख से ये शुरू हुआ था विश्व कप और आज आखिरी पड़ाव में है, तो मुझे लगता है किसी त्योहार से कम नहीं रहा। टीम इंडिया ने भी विनय जी हमें निराश नहीं किया है। हम दिवाली तो मना रहे थे लेकिन हम डबल दिवाली भी मना रहे थे। ऐसा सोचा नहीं था ना कि ऐसा नहीं था कि टीम इंडिया, हमें पता था कि चलिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, होम ग्राउंड में खेल रहे, लेकिन ये थोड़ा पता था कि कोई सी भी टीम आ जाए और वो टीम ये सोच रही है कि कैसे इस टीम इंडिया से पार पाया जाए। हर मैच में आप एक तरफा जीत रहे, हर मैच में, तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। और एक तरफा अगर आप जीत रहे हैं तो इससे ज्यादा आपका विश्वास बढ़ जाता है। और मैं बार बार इसीलिए जिक्र कर रहा हूँ, चाहे वो पैट कमिंग्स हो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान या वो रोहित शर्मा हो भारतीय टीम के कप्तान, इन दोनों की आप बात कर लीजिए। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जाहिर कर दिया था कि उनके जो खिलाड़ी हैं उनकी क्या भूमिका रहने वाली है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के, मैंने शुरुआत से देखा है, वो माइंड गेम खेलने में बहुत ज्यादा आगे रहते हैं। और ये हमने देखा कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पैट कमिंग्स पहुंचे थे ग्राउंड पर, फोटो खींच रहे हैं, वो ये देख रहे हैं क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि इन चीजों के बारे में टीम इंडिया को नहीं पता क्योंकि वो अपने घर में खेल रहे हैं। लेकिन एक माइंड गेम होता है, ये माइंड गेम के लिए ऐसा हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटजी बहुत यूनिक रही है, मतलब आप जो भी विश्व कप देखे, 5 बार की विश्व विजेता ये ऐसे ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्ट्रेटजी के तहत चलते हैं, शुरुआत धीमी करेंगे लेकिन बाद में अचानक कमबैक कर लेते हैं। वही चीज जैसा आईपीएल में होता है, मुंबई की टीम शुरुआत ढीली करती है लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फॉर्म में आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया का तो ये रिकॉर्ड भी रहा है, देखिए ऑस्ट्रेलिया को तब तक आप बिल्कुल खत्म नहीं मान सकते तब तक कि पूरे के 10 के 10 खिलाड़ी आउट ना हो जाए, ठीक है ना। और रिकी पोंटिंग भी आ जाए हुए मैच देखने के लिए। सबसे अहम बात यह है कि मतलब पुराने प्लेयर हैं, कप्तान रहे हैं और वो यहाँ पर आए हुए हैं आज मैच देखने के लिए। और सबसे अहम बात यह भी है कि आज ये मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम पहुंच गई है, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, भारतीय टीम स्टेडियम पहुंच गई है। और ये बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें क्योंकि अब मैच शुरू हो जाएगा, 2:30 टॉस होना है, उससे पहले भारतीय टीम जो है वो स्टेडियम पहुंच गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंची है भारतीय टीम। और देखिए टीम पहुंच गई है, इसका मतलब कि अब पूरे माइंडसेट के साथ ये दोनों ही टीमें बहुत जल्दी आपको नजर आएंगी मैदान पर। आज के पिच के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि ये पिच जो है थोड़ा स्लो रह सकता है, स्लो रह सकता है, तो इसका मतलब स्पिनर्स को मदद मिलेगी, यानी एडम जेम्पा और उधर से मैक्सवेल। ट्रेविस हेड ने पिछले मैच में दिखा दिया, तो भैया टर्न तो उनका भी बहुत हो रहा था, तो ट्रेविस हेड भी ओवर करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बल्लेबाजी के तौर पर अगर आप देखेंगे तो भारतीय टीम की ये खूबी है कि एडम जेम्पा को अच्छी तरह से खेल लेती है भारतीय टीम बल्लेबाजी में। हम देखेंगे कि खासतौर पर नजर रहेगी विराट कोहली और इसके अलावा शिखर धवन और केएल राहुल, ये तीन लोग ऐसे रहेंगे, इन पर नजर रहेगी। ओपनिंग में मैं चाहता हूं कि रोहित शर्मा जिस तरह से अपना खेल खेल रहे हैं वैसे ही खेल खेलें, शुरुआत बड़ी तगड़ी तरीके से दिलवा दे तो अच्छी बात है, अगर पहले बल्लेबाजी करें। प्लेइंग 11 में बदलाव के चांसेस हैं, इस पर हम बात करेंगे विनय जी, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें और भी दिखा देते हैं। पानीपत में मंदिरों में हवन किया गया है, तो भारत की जीत के लिए हरियाणा के पानीपत में मंदिरों में हवन किया गया, लोगों ने भारत की जीत के लिए दुआएं की है, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जीतेगा मैच, जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। मतलब ये सब देख के राष्ट्रीय बड़ी खुशी होती है कि मतलब कितना चाहते हैं लोग, अब अपने क्रिकेट को कितना चाहते हैं, भारतीय टीम को कितना चाहते हैं, चाहे आप गांव की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी शहर की बात कर लीजिए, हर जगह ऐसा माहौल। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो डेली मंदिर जाते हैं, जो डेली घर में पूजा अर्चना करते हैं, उनके पास एक लाइन तो जरूर होगी कि भारत को आज कैसे भी मैच जिता दे। ठीक है, लोगों ने भी अपने रिएक्शन दिए, क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। इंडिया जीतेगा। के साथ मैच है आज इंडिया का? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ लगता है आपको कि इंडिया हरा देगा? यस। कौन अच्छा खेलेगा आज? इंडिया। जो ये प्रतियोगिता हुई है उसमें हमारा इंडिया ही जीत का दावेदार है, पूरे मैचों में, हर मैच में हर टीम को, पूरी पूरी की पूरी टीम को अच्छी तरह हराया है। इस टीम का जो दावेदार है वो हमारा वर्ल्ड कप का इंडिया ही है। हमारी सीरीज जीत रहा है पूरे, तो हमारी शुभकामनाएं प्लेयर्स के साथ हैं, तो हम भगवान से भी प्रेयर कर रहे हैं। आज हवन यज्ञ भी इसीलिए हुआ कि मतलब इंडिया जीते, और हमारी पूरी वो इच्छा है कि जीते और जीतेगा ही, लेकिन टॉस जीतना ज़्यादा वो डिपेंड करता है। इस पे हमें बड़े खुश है कि टॉस जीत जाए, क्योंकि टॉस जीत गया तो अपने मनपसंद बैटिंग कर सकता है, नहीं तो चेस करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्टी, थोड़ी सी मन में शंका आ जाती है देखने वालों को।
चलिए, तो ये तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, लेकिन विनय जी एक चीज और है कि अब देखिए, अभी जैसा कि एक आप देख रहे सुन रहे थे एक महिला को टॉस को लेकर, मतलब सभी को पता है कि टॉस जीतना कितना जरूरी है, तो किस तरह से देख रहे हैं आज के मैच में टॉस कितना इम्पोर्टेंट रहेगा? देखिए, टॉस तो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि मुझे भी यही लगता है कि टीम इंडिया अगर टॉस जीती तो बल्लेबाजी करे पहले, क्योंकि देखिए ये पिच स्लो रहने वाला है और रात के समय यानी जब थोड़ी सी नमी होनी शुरू हो जाएगी 6 बजे या 7 बजे के बाद में, तो क्या होगा, पिच थोड़ा और स्लो हो जाएगा, और जब पिच स्लो हो जाएगा तो फिर आपको बेहतर होगा कि एक बड़ा टारगेट दे दें, तो बल्लेबाजी जब करने उतरेगी टीम तो आपके पास स्पिनर्स को ज्यादा यूज करना होगा। देखिए एक ऐसा खिलाड़ी, देखिए मोहम्मद शमी एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि उनको कैसा भी पिच दे दो बिल्कुल वो विकेट निकाल देंगे, उनके साथ ये है। विकेट नहीं निकालेंगे तो चाहे वो मोहम्मद शमी हो या फिर वो सिराज हो या फिर बुमराह हो, मैं खासतौर पर बुमराह और बात करूंगा मोहम्मद शमी की, सिराज पिछले मैच में थोड़े पिट गए थे, तो ये लोग अपने मैच में अपने रन तो रोक देंगे इनके साथ, ये अच्छी बात है, तो आप स्पिनर्स पे थोड़ा सा ज्यादा भरोसा करेंगे। आज आप, मैंने कई जगह की मीडिया को देखा, मैंने पाकिस्तानी मीडिया को देखा, मैंने ऑस्ट्रेलियन मीडिया को देखा, मैंने इंग्लैंड की मीडिया को देखा, तो मैंने एक चीज देखा कि वो कंपेयर कर रहे हैं रविंद्र जडेजा का एडम जेम्पा के साथ, समझ रहे हैं आप, तो इसलिए थोड़ा सा रविंद्र जडेजा पर ज्यादा विश्वास हो जाता है क्योंकि इकोनॉमी के मामले में रविंद्र जडेजा ज्यादा बेहतर रहे हैं, और बेहतर रहे हैं तो इसका मतलब जब रन रुक जाएगा तो बल्लेबाज अपने आप प्रेशर में आएगा, प्रेशर में आएगा तो फिर आप अपने विकेट गवा देते हो। बिल्कुल, और बधाइयों का दौर देखने को मिल रहा है। इससे पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट दिखा रहे थे कि उन्होंने किस तरह से पहले तो उनके परफॉर्मेंस को सराहा है और कहा है कि अपनी खेल भावना बरकरार रखें, और बधाई उन्होंने दी है। चलिए, हरियाणा में भी लगातार पॉलिटिशियंस की तरफ से भी बधाइयों का दौर देखने को मिल रहा है। कंवर पाल गुर्जर कुछ कह रहे हैं इंडियन टीम के लिए, वो भी सुनवा देते हैं। देखिए, अब की बार की जो परफॉर्मेंस हमारी टीम की वो बहुत ही अच्छी है, और अभी तक सारे मैच जीते हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि निश्चित तौर से भारत अब की बार बहुत अच्छे उससे जीतेगा, और ये जो विश्व कप है निश्चित तौर से भारत कार का उत्साह, अभी हमारे यहाँ जगाधरी से भी कुछ दर्शक जो हैं वहाँ देखने के लिए गए हैं, उनका भी मेरे पास फ़ोन आया था, और उन्होंने जिस प्रकार का उत्साह वहाँ पे दिखाया और जिस प्रकार बहुत बड़ी संख्या में लोग देखने वाले वहाँ पर पहुँचे, तो उससे निश्चित तौर से बहुत उत्साह है पूरे देश में, और पूरा विश्वास है, मेरी शुभकामनाएँ अपनी टीम के लिए कि हम मैच। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पूजा पाठ, और एक तरफ जो फैंस हैं वो मैच देखने के लिए पहुंचे हुए हैं, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बार बार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बुमराह शमी की स्पीड से बच के ऑस्ट्रेलिया को करो फ्राई, ये तमाम तरह की चीजें हैं, ये स्लोगन्स हैं जो आप भी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं, और हम भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टीम इंडिया आज का ये मैच जीते और एक कदम दूर है बस हम विश्व कप के लिए, विनय जी। और देखिए, ये मौका ऐसा है कि जहां पर कोई नहीं चाहता कि जो ट्रॉफी है चमचमाती हुई ट्रॉफी वो आपके हाथ से निकल जाए, सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे राष्ट्रीय, आप बात करें बेहतर रहेगा, और भी चीजें उनके साथ बच्चे भी पीछे मौजूद हैं, आप देखिए कितना एक्साइटमेंट अभी से दिख रहा है। बसंत, आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो मैं चाहूंगी बच्चों से ही पूछे कौन उनका फेवरेट प्लेयर है, कौन आज मैच जीतेगी। बिल्कुल राजश्री, देखिए माहौल बन चुका है, वर्ल्ड कप का जो फाइनल है खेला जाएगा, इस समय हम सोसाइटी में मौजूद हैं, देख सकते हैं दर्शक कितनी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और टीम इंडिया के लिए चेयरिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हाथों में तिरंगा लिए, और बच्चों से जानेंगे किस तरीके का उत्साह आज देखने को मिल रहा है। आज जीत रही है टीम इंडिया, टीम इंडिया जीत रही है आज, टीम इंडिया। और देखिए कोहली का जो है स्केच बनाकर तैयार रखा है बच्चों ने, देखा जा सकता है कि कितनी भावना के साथ आज क्रिकेट को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये स्केच आपने बनाया है? हाँ। ये कौन है? कोहली। कोहली है, आज जीतने वाले हैं कोहली। हाँ। ठीक है, टीम इंडिया जीतेगी। हाँ। तो देखिए राष्ट्रीय, आज बच्चों के अंदर भी इतना उत्साह है, और सोसाइटी के जो मेंबर्स है वो हमारे साथ इस समय एक बड़ी तादाद में मौजूद है, बातचीत करेंगे इनसे भी कि कितना प्रेम जो है क्रिकेट को लेकर आज देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल बातचीत करते हैं लोगों से, आज फाइनल है सर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, क्या कहना चाहेंगे फाइनल्स को लेकर आप? फाइनल 20 साल बाद फिर दोबारा बदला लेने का टाइम आ गया ऑस्ट्रेलिया से, और इंडिया विन होगी, डेफिनेटली इंडिया जीतेगी इसमें। कौन सबसे ज्यादा रन बना रहा है आज? विराट कोहली। तो विराट कोहली को लेकर प्रिडिक्शन कर दी है, बातचीत करते हैं, क्या नाम है सर? वीरेंद्र।
वीरेंद्र जी, क्या लगता है आज 2003 के बाद एक मैदान पर अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया, किस तरीके से देखते हैं इस मुकाबले को आप? पूरा मैच डिपेंड करेगा इंडिया के फर्स्ट 3 बैट्समैन पे, अगर वो 20 ओवर तक कर गए तो ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर है, अगर नहीं कर पाए तो इंडिया अंडर प्रेशर रहेगी। और मैच जो है ये रहेगा बुमराह और पैट कमिंस के बीच का। तो इंडिया जीत रही है मैच? इंडिया जीत रही है, डेफिनेटली जीत रही है इंडिया। ठीक है, टॉस की कितनी अहमियत समझते हैं आज के मैच में? जो टॉस जीतेगा, क्योंकि पिच बाद में स्लो खेलेगा, तो इंडिया के पास दोनों जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं दोनों बहुत अच्छा करेंगे, तो इंडिया का टॉस जीतना बहुत जरूरी है, फर्स्ट बैटिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल राशि देखिए, हमारे साथ कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई? नरेश। तो नरेश जी, आज के इस मुकाबले को किस तरीके से आज देख रहे हैं? इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम, 5 बार की विजेता, 2 बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। देखिए, इंडिया अभी अपनी अच्छी फॉर्म में है और वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगी और हमें पक्का विश्वास है कि वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगा। देखिए, पूरा विश्वास है यहाँ पर लोगों को राष्ट्रीय की, भारत वर्ल्ड कप जीतेगा और हम भी बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब हम भी इस खबर को ब्रेक करें कि टीम इंडिया जीतने वाला है। हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं भी कुछ मौजूद हैं, जान लेते हैं। मैडम, आज का वर्ल्ड कप फाइनल्स टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया, किस तरीके से देखते हैं मुकाबले को आप? इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये मैच इंडिया ही जीतेगी और आज रोहित शर्मा का बैट घूमेगा, शमी की बॉल। बिल्कुल, ये ठीक है, पहले बल्लेबाजी देख रहे हैं टीम इंडिया, पहले बल्लेबाजी करके तो अच्छा करेगी, टॉस इंडिया जीतेगी और इंडिया विल बैट फर्स्ट। ठीक है, बिल्कुल राष्ट्रीय लगातार जो है वो लोग दुआएं कर रहे हैं, दुआओं का दौर पूरे भारत पाठ का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। ठीक है बसंत, बने रहेगा हमारे साथ, तो आगे भी आपसे हम लोगों से बातचीत करेंगे आपके जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल बातचीत करने के लिए।